दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रैंडन मैकुलम ने सूर्या पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड और भारत के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है और इस सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी ब्रैंडन मैकुलम ने सूर्य कुमार यादव को लेकर सनसनीखेज बयान दे दिया है, जिसमें सूर्या को लेकर उन्होंने अपने बयान में कुछ ऐसी दिल जीतने वाली बातें कही हैं जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आखिरकार सूर्या को लेकर ब्रैंडन मैकुलम ने क्या बयान जारी किया है, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और ब्रैंडन मैकुलम में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत की युवा टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड की धरती पर पहुंच गई है, जहां पर न्यूजीलैंड और भारत के बीच मुकाबला वेलिंगटन शहर में 18 नवंबर को खेला गया। इस मुकाबले में बारिश ने मैच होने ही नहीं दिया और मुकाबला बारिश के कारण रद्द करना पड़ा। तो वहीं बारिश के कारण मुकाबला रद्द होने के बाद दोनों टीमें दूसरा मुकाबला खेलने के लिए निकल चुकी हैं। दरअसल दूसरा मुकाबला 20 नवंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से ही खेला जाएगा और इस मुकाबले के लिए भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमें तैयार हैं। भारतीय टीम की कमान तो हार्दिक पांड्या ही निभाएंगे और वहीं न्यूजीलैंड की कमान भी केन विलियमसन के पास रहेगी। तो वहीं दूसरा मुकाबला माउंट मंगाई मैदान पर खेला जाएगा और इस मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी ब्रैंडन मैकुलम ने भारत की युवा विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को लेकर बयान दिया है। ब्रैंडन मैकुलम ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को परेशान करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को जीत दर्ज करने से सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम के एक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव रोक सकते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। उनके सामने किसी भी गेंदबाज और बल्लेबाज की नहीं चलती है। अगर वो चाहें तो अपने अकेले के प्रदर्शन के दम पर सभी टीम को तहस नहस कर सकते हैं। जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने क्रिस गेल खड़ा हो और उनके खतरनाक प्रदर्शन करने से विरोधी टीम को काफी बड़ा खतरा लगता है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने भी पूरी तैयारी कर ली है और सूर्या को पवेलियन पर रवाना करने के लिए न्यूजीलैंड के प्रत्येक गेंदबाज के साथ हमने अलग रणनीति भी बना ली है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए ये भी कहा कि न्यूजीलैंड की टीम के प्रत्येक गेंदबाज को हमने इंग्लैंड और भारत के सेमीफाइनल मुकाबले की हाईलाइट दिखाई है और उसमें सूर्य कुमार यादव के द्वारा खेले गए प्रत्येक शॉट सिलेक्शन को हमने देखा है और हमने उसके बाद ही डिसीजन लिया है कि कैसे सूर्या को आउट करना है और हमारी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। जहां सऊदी से लेकर लॉकी फर्गुसन तक को टिप्स दे दी गई है और उनको बता दिया गया है कि सूर्या के खिलाफ कैसे गेंदबाजी करनी है और उनका विकेट कैसे लेना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सूर्य कुमार यादव बेहतर प्रदर्शन करके छक्के और चौके की बारिश करते हैं तो भारतीय टीम को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से सूर्या को रोकना बहुत मुश्किल है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं, कॉमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।